कैथल में धूमधाम से छठ पर्व महोत्सव मनाया गया। इस पर्व में बिहार और यूपी के हजारों लोगों ने भाग लिया। गौरतलब है कि यह पर्व भारतवर्ष के बिहार और यूपी राज्यों में सबसे ज्यादा मनाया जाता है, परंतु अब पूरे भारतवर्ष में धीरे धीरे इस महोत्सव को मनाया जाने लगा है। इस महोत्सव के पीछे एक दंत कथा भी है, जिस कारण तब से यह पर्व छठ पर्व के रूप में भी मनाया जाने लगा है। इसमें गन्ने व प्रकृति के द्वारा दिए गए अन्य फलों की पूजा की जाती है और वहीं सुहागने अपने सुहाग की लंबी आयु की प्रार्थना करती है। हर साल अपना हिंदू संस्कृति का परंपरा के अनुसार कार्तिक शुक्ला छठ, आज के दिन ये छठी माता और सूर्य भगवान का पूजा करते हैं। आज के बच्चे अपने तन मन धन से श्रद्धा से अपने माता बहनों के साथ में मिल करके जो उत्साह से करते हैं, तो उनको बड़ी बड़ी उनसे प्रार्थना है कि इनका मनोकामना सब पूर्ण करे। ये सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है और ये मतलब कि 3 दिन का व्रत होता है। पहले तो नहाए खाए होता है, उसके बाद खरना होता है, उसके बाद फिर अर्घ दिया जाता है। सूर्य डूबते हुए अर्घ दिया जाता है और उठते हुए सुबह में दिया जाता है। के लिए रखा जाता है, दुख सुख संपत्ति के लिए बनाया जाता है और बच्चों के सबके अति उसके लिए रखा जाता है, स्वास्थ्य सुहाग के लिए रखा जाता है सब व्रत। छठ पर्व हमारा विशेष करके पूर्वांचल प्रदेश का है। यहाँ इसलिए मनाया जाता है, जो राजा कर्ण हुआ था, दानवी राजा, भागलपुर में उत्पन्न हुआ था और भागलपुर बिहार के अंदर आता है, इसलिए बिहार के लोग और यूपी के लोग खासकर इस व्रत को करते हैं। प्राचीन काल में ऋषि कृष्ण का एक व्रत हुआ था, उसमें ब्रह्मा की मानस पुत्री छठ थी, जिसकी पुत्री जिसके बच्चे नहीं हो रहे थे और बहुत कश्यप ऋषि के आश्रम में गए और वहाँ एक पुत्रेष्ट यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में उनको एक आशीर्वाद मिला कि तुम्हारी एक पुत्र रत्न पैदा होगा। उस समय से हमारा ये छठ व्रत प्रारंभ हुआ और विशेष करके यूपी और बिहार वाले लोग करने लगे हैं। अब तो पूरे भारतवर्ष में मनाए जाते हैं। और ये हमारे 3 प्रश्न है, पिरामिड क्यों बनाया जाता है, दूसरा एक मिट्टी की इन्होंने टोकरी बनाई होती है वो क्यों बनाई जाती है, मांग में सिंदूर भी भरा जाता है वो क्यों? देखिए, पहले हम मांग में सिंदूर भरते हैं, ये हमारे हिंदू संस्कृति का सुहाग का प्रतीक है। जब कुमारी महिला होती है उस समय व्रत को नहीं रखती है, शादी के बाद क्या वो तिलक मांग भरते हैं, जो हमारे हिंदू संस्कृति में सुहाग का प्रतीक है, जिसलिए वो सुहाग के लिए अपने सुहाग की सदा बना रहे, इसलिए वो छठ माता से प्रार्थना करते हमारी सुहाग है ये सदा हमारे पर बना रहे। जो ईख वगैरह फल वगैरह चढ़ाते हैं ये हमारे प्राकृतिक है, प्रकृति में केवल ईख ही नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे फल है जिसमें नींबू भी आ गया और भी जितने फल है, सेब फ्रूट जितना भी अधिक से प्राकृतिक फल है वो उसको चढ़ा जाते हैं छठ माता की पूजा के लिए।